स्टूडियोज। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये श्वेता कपूर इंस्पायर्ड मेकअप लुक। गाइस अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, रेड बटन है उस पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साइड में छोटी सी घंटी मिलेगी उस पर प्रेस कर दोगे तो आगे से आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वॉटर फेस सीरम, ये मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। फेस के साथ साथ मैं इसे हल्का सा नेक पर भी यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मिस रोज ब्रांड का फोटो फिनिश प्राइमर, ये मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। मेरी स्किन पे जितने भी ओपन पोर्स है ये उनको ब्लर कर देगा ताकि मेकअप वगैरह मेरी स्किन को डैमेज ना कर पाए। सो इसे हल्का सा मैं नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ। एज अ आई प्राइमर भी मैं यूज कर रही हूँ ताकि मेरा आई मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन एंड इस पे मेरी शेड है 115 i3। देन मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का स्पॉन्ज। फाउंडेशन को भी आपको फेस के साथ साथ नेक पर भी अप्लाई करना है ताकि आपका मेकअप बिल्कुल नेचुरल लगे। डैप डैप करके आपको फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ द स्टिंग ब्रांड का कंसीलर अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए एंड इसमें मेरी शेड है 01। सो इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट भी कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसमें मेरी शेड है 120 क्लासिक आइवरी। इस लुक में श्रद्धा कपूर का मेकअप काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है तो इसी तरीके से मैं काफी ज्यादा सिंपल मेकअप करूंगी। सो यहाँ पर उन्होंने ब्लश यूज कर रखा है कोरल कलर में एंड लिप्स का कलर थोड़ा सा कोरल एंड म्यूट है। सो गाइस यहाँ पर मैं ब्लश यूज कर रही हूँ मोवा ब्रांड का एंड इसमें मेरी शेड है 04। ब्लश आपको लगाना चाहिए कुछ इस तरह से स्माइल करते हुए। सेम इसी तरीके से मैं राइट चीक पर भी अप्लाई कर रही हूँ। सो ब्लश लगाने के बाद अब मुझे उनके फेस पे एक ग्लो दिख रहा है तो गाइस यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ प्रो इल्यूमिनेट हाइलाइटर। तो सबसे पहले मैं अपने नोज पे यूज कर रही हूँ। सो हाइलाइटर लगाने के बाद अब बारी आती है ब्रोज की। तो इस मेकअप में श्रद्धा कपूर की ब्रोज काफ़ी अच्छे से फिल हो रखी है, लाइक थोड़ा सा थिक फिल हो रखी है। तो इसी तरीके से मैं अपनी ब्रोज को फिल करूँगी जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन द न्यूड पैलेट एंड इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड। सो गाइस ब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एंगल ब्रश। सो गाइस यहाँ पर ब्रोज को फिल करने के लिए भी मैं इसे डेवलप करके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव कर रही हूँ ताकि काफ़ी कम प्रोडक्ट मेरी ब्रोज पे लगे, ज़्यादा पाउडरी ना हो जाए। We'll be right back.
गाइस यहाँ पर मैंने अपनी ब्रोज को अच्छे से फिल कर लिया है। इसके बाद अब बारी आती है आई मेकअप की। सो आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का न्यूड पैलेट एंड इसमें से मैं पिक कर रही हूँ ये शेड। सो गाइस इस लुक में श्रद्धा कपूर का आई मेकअप काफ़ी सिंपल है, तो मुझे भी काफ़ी सिंपल आई मेकअप रखना है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड एंड अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ ये एंगल ब्रश। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का काजल। सो यहाँ पर मैं फुल आई पे अप्लाई नहीं कर रही, लाइक अपनी हाफ लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ आउटर साइड। देन इसके बाद अगेन एंगल ब्रश लेके आपको इसे स्मच करना है लोअर लैश लाइन पे से। सो गाइज अब मैं कर रही हूँ अपनी लैशेस को। लैशेस को कर्ल करने के बाद मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का द कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। सो लास्ट में यूज कर रही हूँ एले गर्ल की लिपस्टिक इन द शेड प्योर एंड ये न्यूड कलर है।